नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। दिखा रहे हैं सीधी कवरेज उन लोगों के साथ, सीधा डेरा सच्चा सौदा से। नमस्कार मैम। हेलो, हंतानंद सतगुरु तेरी आसरा। क्या नाम है मैम आपका? रोमिला ही। कहाँ से है मैम आप? लोड से, पंजाब से। मैम आप डेरे में आए हो, आज किस लिए आए हो मैम? अपने पिताजी का जन्मदिन मनाने के लिए। मैम आज गुरुजी डेरे में नहीं है, तो किस तरह आप? पिताजी तो हमेशा है डेरे में। मैम जो आप बता रहे हो कि भंडारा यहाँ पे बनाया जाएगा, उनका बर्थडे मनाया जाएगा, तो किस कैसे मनाया जाएगा मैम? हम हमारे मन की खुशी है बस, हमें तो पिता यहाँ कान कान में दिखते हैं। मैम आप कब से जुड़े हो डेरे से? 96 से। मैम इतने सालों से आप डेरे से जुड़े हो, कभी गलत होते हुए देखा है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, हमारी तो पक्की सेवा है शुरू से। वो तो वो साजिश है बस राजनीति लोगों की, हम तो कब से यहीं रह रहे हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं देखा। अपने गुरु पर हमें तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। मैम लोग जो इतनी तादाद में यहाँ पे आए हैं, तो क्या अभी भी मतलब वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, या फिर कुछ मतलब अलग हो चुके हैं कुछ? ना ना ना, बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। मैं मलोड से बिलोंग करती हूँ, मलोड की पूरी संगत ही ऐसे ही मानती है, इतनी सेवा में वहाँ मलोड दरबार बना हुआ है परम पिता जी का, पूरी संगत वहाँ पे इतनी दृढ़ विश्वास से जाती, बहुत ज़्यादा सेवा भी बहुत चल रही है वहाँ मलोड दरबार में। मैम आपका इतना दृढ़ विश्वास है डेरे के प्रति, आखिर क्यों मैम, क्या किया है गुरु जी ने? क्योंकि पिता जी ने हमारे साथ बहुत करिश्मे किए हैं। अभी अभी हम 10-12 दिन की बात है, हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा, ट्राला हमारी गाड़ी को आगे ले गया, गाड़ी का कुछ नहीं बचा और हमें एक रीढ़ तक नहीं आई थी। हम बकायदा पटियाला से आ रहे थे, नाम चर्चा कर में रुके, वहाँ अरदास की, मत्था टेका, कुछ नहीं हुआ, बस आगे आया एक्सीडेंट हो गया अभी, तो हमें कुछ नहीं हुआ, बस पिताजी ने हमें इतना मतलब अपनी गोदी में ले लिया। मैम आप चाहते हो गुरुजी के डेरे, गुरुजी को डेरे की ज़रूरत है या मतलब डेरे में होना चाहिए? हम तो कह रहे आज ही पिताजी आ जाए बस। मैम क्या हो जाएगा आखिर? वो आ जाएगा, संगत के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, हमें इतना सुकून मिलेगा ना, बहुत ही ज़्यादा। क्या अपील रहेगी मैम सरकार से? मैं अपील करूँगी सरकार से भी ये झूठे रोप केस वापस लिए जाएँ और पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।